नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, तालिबान का प्रहार अफगान की हार। जी हां, अफगानिस्तान ना अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में नजर आ रहा है और अब तालिबान आतंकी पूरी तरह से खून खराबे पर उतारू हो गए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के बेकसूर लोग खौफजदा हैं और इसकी बानगी इन चार तस्वीरों में हम आपको दिखाने वाले हैं। चार तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें तालिबान की बानगी दिखाएंगे। पहली तस्वीर, अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, सड़कों पर लोग अब उतर गए हैं और ऐसे में पूरे काबुल में जान जैसी स्थिति पैदा हो गई है। काबुल एयरपोर्ट में जोरदार फायरिंग भी हुई। अब बता दें, सुबह एयरपोर्ट के बाहर काफी फायरिंग हुई जिससे कई लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं चौथी तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों की है। देखिए, कल से ये खबर सामने आ रही थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तभी से पूरे काबुल और पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। लोगों में होड़ मची हुई है कि वो किसी न किसी तरह अब काबुल को छोड़कर किसी और देश जाकर या किसी और जगह जाकर शरण ले ले, इसीलिए इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो देखिए, सड़कों पर किस तरह से जाम लगा हुआ है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से अब लोग जो हैं वो अब देश छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में वो तालिबान के उसमें नहीं रहना चाहते और इसीलिए सड़कों पर अब लोगों का जाम लगा हुआ है। गाड़ियां लोगों के बीच में, यही तस्वीरें सामने आ रही है कि लोगों के बीच में होड़ मची हुई है देश छोड़ के जाने की। वहीं तीसरी तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है जहां पर जोरदार फायरिंग की, क्योंकि देखिए अब लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि वो किसी न किसी तरह देश को छोड़कर यहां से चले जाएं। उन्हें सिर्फ देश से बाहर निकलने का रास्ता एयरपोर्ट ही दिख रहा है, इसलिए भारी लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो एयरपोर्ट की तरफ भागती हुई नजर आ रही है। और फायरिंग भी आज सुबह एयरपोर्ट पर होती हुई नजर आई थी जिसमें 3 से 4 लोगों की जान जाने की खबरें भी सामने आई थी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कल यात्रियों को लेकर एक विमान निकला था जो आज सुबह दिल्ली पहुंचा है। हालांकि बता दें, उस विमान में 129 यात्री दिल्ली पहुंचे थे और लगातार भारत भी अपने लोगों को वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। खबर ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है 2 और विमानों को फिर से काबुल भेजा जाए और वहां से भारत के लोगों को वापस लाया जाए। और हालांकि स्टैंड बाय में भी 2 एयर इंडिया के विमान को रखा गया है, पूरा क्रू भी तैयार कर लिया गया है जो इमरजेंसी सिचुएशन में वहां पर जाकर भारत के फंसे लोगों को वापस ला सकता है। बीस साल बाद तालिबान ने अपने आतंकी हथकंडों से अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, इससे पूरी दुनिया हैरत में है। और तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में कब्जा जमाया है ये देखकर हर कोई स्तब्ध है। देश में जगह जगह मंजर बहुत बुरा नजर आ रहा है और चारों तरफ कोई बस अपनी जान बचाने के लिए हर कोई दुआ करता हुआ नजर आ रहा है और इधर उधर भाग रहा है। दुनिया भर को अफगानिस्तान की महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सबसे ज्यादा चिंता है। हर छोटे बड़े देश से अपील की जानी चाहिए कि अफगानिस्तान में तुरंत ही सीज फायर करवाया जाए, शरणार्थियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। राष्ट्रपति गनी ने भी जनता के नाम भावुक चिट्ठी लिखकर देश छोड़ दिया है, लेकिन सही तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो तजाकिस्तान में है या फिर अमेरिका में है। राष्ट्रपति गनी के जाने के बाद उनके करीबियों ने भी देश छोड़ दिया है। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान आतंक का पर्याय कैसे बना, ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। अफगानिस्तान युद्ध की शुरुआत सन 1978 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान में किए हमले के बाद हुई। सोवियत सेना ने अपनी जबरदस्त सैन्य क्षमता और आधुनिक हथियारों के दम पर बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। सोवियत संघ की इस बड़ी कामयाबी को कुचलने के लिए इसके पुराने दुश्मन अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया।
पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान से सोवियत सेना को खदेड़ने के लिए सीधे रूप में सोवियत सेना से टक्कर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने तालिबान नाम के एक ऐसे संगठन को बनाया जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जिहादी शिक्षा देकर भर्ती किया गया। इन्हें अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए भेजा गया और इन्हें अमेरिका की एजेंसी CIA के हथियार और पैसे मुहैया कराए गए। तालिबान की मदद को अरब के कई अमीर देश जैसे सऊदी अरब, इराक ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पैसा मुहैया कराए। सोवियत हमले को अफगानिस्तान पर हमले की जगह इस्लाम पर हमले जैसा माहौल बनाया गया, जिससे कई मुस्लिम देशों के लोग सोवियत सेनाओं से लोहा लेने अफगानिस्तान पहुंच गए। अमेरिका के मुहैया कराए गए आधुनिक हथियार जैसे हवा में मारकर विमान को उड़ा देने वाले रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और AK-47 के कारण सोवियत सेना को कड़ा झटका लगा और अपनी आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के चलते सोवियत सेना ने वापस लौटने का इरादा कर लिया। सोवियत सेना की इस तगड़ी हार के कारण अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के मुजाहिद दीनों का गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया गया। युद्ध के चलते अफगानिस्तान में सरकार गिर गई थी, जिसके चलते दोबारा चुनाव किए जाने थे, पर तालिबान ने देश की सत्ता अपने हाथों में लेते हुए पूरे देश में एक इस्लामिक धार्मिक कानून शरीयत लागू कर दिया, जिससे सऊदी सरकार ने समर्थन भी लेना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो अफगानिस्तान में लगातार बदतर होते हालातों के बीच बस लोगों में एक होड़ नजर आ रही है कि किस तरह से वो अपनी जान बचा सकें, क्योंकि स्थिति बेहद ही खराब होती तालिबान में इस समय नजर आ रही है काबुल में, क्योंकि जब से तालिबान ने कब्जा किया है लोगों में भगदड़ मची हुई है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बस रास्ता ढूंढ रहा है कि किस तरह से वो काबुल से बाहर निकल जाए। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी काजोल नारायण भी न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। काजोल, अभी ताजा हालात की बात की जाए तो ताजा हालात क्या है वहां पर? बिल्कुल पारुल, देखा जाए तो ताजा हालात बेहद ही बदतर हैं, क्योंकि महिलाएं डरी हुई हैं, जो पुरुष हैं वो खौफजदा हैं, मासूम बच्चे रोते बिलखते सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पूरे अफगानिस्तान की आबादी की बात की जाए तो करीब 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी होगी, जितनी आबादी हमारे दिल्ली शहर की, हमारी दिल्ली राजधानी की है। ऐसे में 3 करोड़ की आबादी को संभालना गनी के लिए मुश्किल हो गया। अशरफ गनी देश छोड़कर भगौड़े हो गए हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही भयावह होती हुई नजर आ रही हैं। लोग जैसे कि पारो लगातार आप देख ही रही हैं तस्वीरों में, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, उसमें लोग जो हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना है। तालिबानियों ने कल रविवार के दिन ये शर्त रखी राष्ट्रपति के सामने कि अगर खून खराबा चाहते हो तो यहाँ पर रुको, अगर आप खून खराबा नहीं चाहते तो आप देश छोड़कर चले जाओ। ऐसे में जानकारी ये भी मिली है कि अशरफ गनी इसी वजह से चले गए हैं और जो उन्होंने पोस्ट किया है वो भी इसकी बानगी नजर आती है। तो फिलहाल हालात बद से बदतर हैं, लेकिन भारत का हस्तक्षेप इसलिए वहां पर जरूरी है क्योंकि कई संख्या में वहां पर भारतीय यात्री जो है वो रहते हैं, जो वापस लौटे हैं, करीब 200 से ज्यादा भारतीय वापस देर रात लौटे हैं। एयर इंडिया का विमान पूरी तरह से स्टैंड बाय में है और हो सकता है कि जल्द ही एयर इंडिया का विमान बाकी जो भारतीय वहां बचे हुए हैं उनको वापस लौटाया जाए। लेकिन सबकी वैश्विक स्तर पर जो निगाहें बनी हुई हैं वो वहां की महिलाओं पर बनी हुई है। अगर तालिबान की बात की जाए, सबसे हर किसी की सबसे ज्यादा चिंता यही है कि महिलाओं की चिंता है और बच्चों की चिंता है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों की सबसे ज्यादा हर कोई चिंता कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल काजोल ये भी है कि दुनिया ने अभी मौन साथ रखा, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल पारुल, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अमेरिका पिछले 20 सालों से अपने सैनिक वहां पर रखे हुआ था, उस अमेरिका ने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए हैं। इतनी बड़ी महाशक्ति अमेरिका इस पर दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, तो ऐसे में दूसरे देशों को सोचना होगा कि वो दखल अंदाजी करने से पहले क्या कुछ करे, क्योंकि अमेरिका जब पीछे हट रहा है तो बाकी दूसरे देश क्या करेंगे। लेकिन अगर तालिबान की बात की जाए पारुल, ये भी रिपोर्ट सामने आई है, सूत्र बताते हैं कि तालिबान जो है वो भारत के साथ दोस्ती की बात कह रहा है।
और अफगानिस्तान के और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। भारत ने वहां पर बहुत कुछ निवेश किया है, ऐसे में भारत के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का विवाद है उससे कहीं ना कहीं भारत पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात जब अपने नागरिकों पर आएगी तो भारत पीछे नहीं हटेगा। अगर वैश्विक स्तर पर यह देखा जाए तो दूसरे देश इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो बाकी जो छोटे छोटे देश हैं वो भी अमेरिका के साथ आगे बढ़ेंगे और तालिबान को पीछे हटना ही होगा। लेकिन काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति भवन पर तालिबानी नेता जो हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जरूर कहा जा सकता है कि वाकई अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए हैं और अफगानिस्तान सरकार तो बिल्कुल राष्ट्रपति भवन से तालिबान की तस्वीर सामने आई थी कि वहां पर तालिबान के नेता बैठे हुए नजर आए थे। वीडियो साफ तौर पर सबने देखा है कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन में नेता वहां पर बैठे हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है काजोल कि वहां पर स्थिति अभी कैसी होगी। हालांकि ये खबरें भी काजोल सामने आई है कि वहां पर कुछ कई जगहों पर फायरिंग भी की गई है क्योंकि एक मामला ये भी सामने आया कि तालिबान के लोगों ने वहां काबुल के स्थानीय लोगों पर फायरिंग भी कर दी और उसके बाद से ये कहा गया कि चोरी कर रहे थे और जो भी ऐसी आगे आने वाले समय में ऐसी घटना को अंजाम देगा उसके साथ भी यही होगा। बिल्कुल, और पारुल यही सच है क्योंकि तालिबान यही चाहता है कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से वो अपना कब्जा जमा ले, जो कि 20 साल पहले सोवियत संघ जब उसका साथ दिया करता था तब हुआ करता था। अलकायदा को बढ़ावा मिला, उसके बाद से जो आतंकी थे उनको और ज्यादा उनका मनोबल बढ़ा। जैसे कि पारुल उदाहरण के तौर पर हम लगातार कोई अगर किसी को सजा देता है तो हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि तालिबानी सजा दी गई। इसीलिए तालिबान बदनाम नहीं है, तालिबान में जो शरीयत कानून है उसमें महिलाओं पर पूरी तरह से अत्याचार की तस्वीरें सामने आती। तमाम वीडियो अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे हैं जहां पर बर्बरता महिलाओं के साथ होती है। अगर कोई आवाज उठाता है तालिबान के खिलाफ तो उनका सब कलम कर दिया जाता है, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लोग इसीलिए डरे हुए हैं और वहां पर भगदड़ मची हुई है। बिल्कुल, काबुल की तस्वीरें, काबुल के अलावा भी तमाम ऐसी जगह है, चाहे वो कंदार हो चाहे वो गजनी हो, जहां पर भी आप नजर दौड़ाओगी पारुल वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। मारकाट पर तालिबानी आतंकी जो है वो उतारू होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आप अफगानिस्तान में रहेंगे, लेकिन अगर आप हमारे नियम कानून नहीं मानेंगे तो आपको या तो मार दिया जाएगा या देश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन देश छोड़कर भागना इतना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा भगदड़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें सबसे डराने वाली भयावह तस्वीर है क्योंकि लोगों के जिस तरह से वहां पर भीड़ जुटी हुई है, हर कोई बस ये चाहता है कि किसी भी फ्लाइट में बैठ जाए और क्योंकि पता है कि एक बार अगर फ्लाइट में आप बैठ गए तो कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाएंगे। और इसलिए काजोल भारत के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि एक फ्लाइट से तो 129 यात्रियों को भारत बुला लिया गया है, लेकिन जो अब दूसरी दो फ्लाइटें एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट को तैयार किया गया है, खबर ये सामने आ रही है कि अभी उन्हें रद्द कर दिया गया उन फ्लाइट्स को क्योंकि वहां के हालात देखते हुए। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि बाकी बचे हुए जो भारत के लोग वहां पर उन्हें किस तरह से बुलाया जाएगा। देखिए चुनौती बहुत बड़ी है पारुल, लेकिन भारत सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। अगर भारतीय नागरिकों पर कुछ भी होता है या उनकी जिंदगी के साथ अगर खिलवाड़ करने की कोशिश तालिबान करता है तो भारत फिर पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तालिबान, जैसे कि मैंने पहले ही बताया पारुल, कि तालिबान ये कह रहा है कि हमारे भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम बेहतर करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ भारत का क्या विवाद है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तालिबानियों को समर्थन लगातार करता आया है। देखिए अगर पारुल बात की जाए अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में एक बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिक जो है वो रहते हैं, अमेरिकी नागरिक रहते हैं, कनाडा के कुछ लोग रहते हैं, साथ ही साथ पश्तून जो हैं वो रहते हैं। देखिए कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर अफगान की कुछ आबादी ऐसी है जो कि तालिबान का समर्थन करती हुई नजर आई है, लेकिन देखा जाए तो उन्हीं समर्थन के नाते तालिबान की हिमाकत है कि 20 सालों बाद फिर से उसने अपने पैर कब्जाना शुरू कर दिया है। देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है। अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है जो 20 सालों से तालिबान को कंट्रोल किया हुआ था अमेरिका ने, तो आखिर अब क्या वजह रह गई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं वो अमेरिका के, उनका साफ तौर पर ही कहना है कि
इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि सबसे बड़ी नाकामी है अमेरिका की, क्योंकि 20 सालों से अमेरिकी सैनिक वहां पर बने हुए थे। ऐसे में इतना पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया गया, इतने हथियार अफगानिस्तान को दिए गए, यहां पर सीधे सीधे अफगान सरकार की नाकामयाबी है। कितने आधुनिक हथियार होते हुए भी अपनी रक्षा अफगानिस्तान नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल काजोल, आप मेरे साथ बनी रहिए। हमारे संवाददाता कावेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कावेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कावेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पारुल जी, आपको मैं सुन पा रहा हूं। जी कावेंद्र, जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, ऐसे में स्थिति, तस्वीरें हर कोई देख रहा है, बहुत ही जलापनी और भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर सरल शब्दों में समझा जाए, तालिबान क्या है? जी बिल्कुल पारुल जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पर आना चाहता हूँ कि ये एक नए युग की शुरुआत है। जी वो युग है जहां पर एक आतंकी संगठन, मैं सीधे सीधे कहूंगा, एक आतंकी संगठन जो है पूरे देश पर कब्जा कर लेता है और बाकी तमाम दुनिया के देश हैं वो इस चीज को होते हुए, घटित होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज पर आता हूँ कि अमेरिका की जब हम बात करते हैं, जैसा कि अभी काजोल जी भी बता रही थी, अमेरिका की जब बात करते हैं तो अमेरिका हारा नहीं है, अमेरिका पीछे नहीं हटा है, अमेरिका ने सिर्फ अपना इंटरेस्ट लूज किया है। अमेरिका का अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता, इसलिए वो वापस आ चुके हैं। बाकी साधनों की बात करें, अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में सेनाएं भेजी, बाकी और भी चीजें मुहैया कराई, लेकिन जब इंटरेस्ट खत्म हुआ तो वापस पीछे हटा लिए अपने पैर। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ये उन अफगानी लोगों का हुआ है जो शरिया कानून के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते शरिया कानून, उन लोगों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जो लोग मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं अफगानिस्तान में जो कि अंदर छिपे अंदर खाने तालिबान का समर्थन करते हैं, इसलिए तालिबान शक्तियां जो है वो इतनी बड़ी और इतनी भरपूर निकलकर सामने आई है। इसके बाद ही आपको बता दूं कि अमेरिका जो है इसमें, अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में जाकर किस तरीके की जो चीजें हैं पहले उनको बढ़ावा दिया, लेकिन जब वो चीजें बैकफायर कर गई, जैसे उसामा बिन लादेन के केस में की थी, तब जाकर इसका इंटरेस्ट खत्म होता है, तब इसने अपने पैर जो है पीछे किए हैं। अब तालिबान की स्थिति पर आते हैं कि तालिबान अगर हमको समझना है तो हमको 100 साल पीछे जाना होगा। तो पारू, 100 साल पीछे जब हम जाते हैं तो एक चीज समझते हैं कि अफगानिस्तान में सबसे पहले जो यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था, वो वहां पहुंचता है और वहां बातें करता है कि हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे। अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन की बातें करता है, पैसा लगाता है, लेकिन अमेरिका वहां पे इंस्टेबिलिटी लाने के लिए वहां भी पहुंच जाता है। वहां पे जो इस्लामिक जो लोग हैं, इस्लामिक जो कट्टरपंथ लोग थे, उनको बताता है कि मॉडर्नाइजेशन के चलते इस्लामिक जो संगठन है उस पर सबसे बड़ा खतरा है, इस्लाम पे खतरा है, ऐसी बातें उनके दिमाग में डालता है और मुजाहिदीन पैदा करता है। मुजाहिदीन वो लोग होते हैं जो मजहब के लिए लड़ते हैं, मुजाहिदीन पैदा करता है, धीरे धीरे बाकी संगठन जो है वो बनना शुरू होते हैं। ऐसे में ही तालिब जो शब्द है, तालिब शब्द आता है एक स्टूडेंट से, वहां पर जो छात्र है उनको तालिब बोला जाता है। तो वहां पर जो तालिब लोग थे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, उन तालिबों में जो सबसे ज्यादा एक मजबूत आदमी था वो निकलकर सामने आता है, उमर, उमर व्यक्ति का नाम था। तो वो तालिब जो था उमर, उसने वहां पर और लोगों को और स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उमर जो था वो बाद में स्टूडेंट बन, वो एक टीचर बन गया, एक नमाज पढ़ाने लगा, एक जगह जाने लगा, मस्जिद में जाने लगा, तो उसका नाम पड़ गया मुल्ला उमर। तो तालिबान की जो शुरुआत हुई वो मुल्ला उमर नाम के व्यक्ति ने की थी, जो तालिब था, जो छात्र था। तो उसने फिर एक संगठन को नाम दिया, उसने दिया स्टूडेंट फेडरेशन, जैसे हमारे इंडिया में देखे जाते हैं, वैसे ही वहां पर तालिब से बना तालिबान। तो तालिबान की शुरुआत ऐसे हुई और इन लोगों ने सबसे पहले तो जो लड़ाई थी वो रूस से लड़ी, क्योंकि रूस इनके यहाँ कब्जा करना चाहता था। तो जो लड़ाई थी, जो लोग अपने देश को बचा रहे थे उस समय अफगानिस्तान को, वो तालिबान सबसे आगे था, इसलिए तालिबान का जो वर्चस्व था वो बढ़ता चला गया। उसके बाद हम आपको बात बताते हैं पारुल, जब अमेरिका भी वहां पहुंचा, अमेरिका ने पहले तो इनको हथियार मुहैया कराए, तालिबानियों को हथियार दिए, हर चीज दी कि आप लड़िए, रूस से लड़िए। लेकिन बाद में तालिबान जब इतना बड़ा संगठन बन गया कि वो अमेरिका को भी चैलेंज करने लगा, तब अमेरिका की और तालिबान की लड़ाइयां शुरू हुई। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि तालिबान ने धीरे 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 कर करके अब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और आज की स्थिति यह है कि तालिबान खुद को एक साफ सुथरी छपी वाला एक राजनीतिक पार्टी संगठन बनाने की कोशिश में है, पुरजोर कोशिशें कर रही है। हालांकि ब्रिटेन ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि वो उनको बिल्कुल भी ऑफिशियली इस चीज को मानने से इंकार कर रहे हैं। बाकी अमेरिका जो है वो शांत है, चाइना कभी भी ऐसे लफड़ों में पड़ता नहीं है, ऐसी चीजों में कभी भी पड़ता नहीं है, तो वो भी अपनी जगह पर शांत है। बाकी भारतीय लोगों, भारत से अभी कोई एक ऑफिशियल स्टैंड नहीं आया है, वो अपने लोगों को वहां से निकलवा रहे हैं। 129 लोग जैसे कि बताया गया वो भी हमारे तरफ आ चुके हैं वापस, जो हमारे कंट्री में आए हैं। अभी का स्टैंड ये है कि वहां पर सत्ता हस्तांतरण जो है वो बहुत स्मूथ वे में हुआ है, और अगर मैं सीधे सीधे बात करूं पारुल, तो इतनी आसानी से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है जितना कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट का भी नहीं हुआ था। जैसे हम भारत की बात करें तो प्रधानी के चुनाव में प्रधानों का भी नहीं होता है, उस तरीके का सत्ता हस्तांतरण हुआ है वहां पर। तो अभी की स्थिति यह है कि चीजें बदल चुकी हैं,
जो लोग शरिया कानून के अंदर काम नहीं कर सकते वो लोग वहां से भाग रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जो लोग शरिया कानून के पनाहगार हैं, जो चाहते हैं कि शरिया कानून लागू हो, वो वहां पर रुके हुए। जी बिल्कुल कावेंद्र, एक सवाल मेरा भी है, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल कावेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि आपने पूरी हिस्ट्री बताई है कि किस तरह से तालिबान का गठन हुआ और जो तालिबानी एक बच्चा हुआ करता था या ये कहें कि स्टूडेंट हुआ करता था, उसके बाद सारी चीजें निकलकर सामने आई, सोवियत संघ से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसके लिए एक बात यहां मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जो एक जिक्र किया कि अमेरिका ना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने पहले तो इतना इन्वेस्ट किया, इतने हथियार अफगानिस्तान को दिए, उनका यहां पर क्यों यूज अफगानिस्तान नहीं कर पा रहा है? क्या अफगानिस्तानी सरकार ने अपने पूरे हथियार डाल दिए हैं या पीछे हट रहे हैं या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? क्या अमेरिका ही कहीं तालिबान का समर्थन तो नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका के अगर हम इतिहास देखते हैं तो अमेरिका एक वैसा देश है जो अपनी शक्तियों का हमेशा से ही गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है। अमेरिका हर किसी कंट्री में, जितने भी खाड़ी देश है, वहां सब में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की हमेशा से कोशिश करता रहा है, क्योंकि उसकी नजर किसी और चीज पर, वो आप भी समझती है। तो ईरान में भी वो यही स्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करता रहा है, अफगानिस्तान में भी उसने ऐसा ही किया। तालिबान को पहले हथियार मुहैया कराए गए, तालिबान को बनाया गया, तालिबान को खड़ा किया गया ताकि वहां पर तालिबान के सहारे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर सके। लेकिन जब तालिबान खुद ही इन पर हावी हो गया तब इन्होंने अफगान सेना का समर्थन करने की कोशिश की। बिल्कुल, अफगान सेना को बाकी चीजें भी मुहैया कराई, हथियार मुहैया कराए, बंदरगाह मुहैया कराए, गाड़ियां मुहैया कराई, हर चीज मुहैया कराई। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपरी ऊपर देखते हैं, यहाँ पर एक जो विचार है उसकी कमी है। तालिबानों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है काजोल, कुछ भी नहीं है। वो अपना परिवार पीछे छोड़ चुके हैं, सब कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। उनके लिए बस ये है डू और डाई, करो या मरो। वो मैदान में आ चुके हैं, उनके लिए जंग का मतलब है कि मुझे मरना है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मरूंगा। तो तालिबानी उस स्थिति से, उस नजर से सामने आते हैं। लेकिन वही अगर हम अफगान सेना की बात करें या अमेरिकी सैनिकों की बात करें जो हालांकि वापस लौट चुके हैं, उनके पीछे उनका परिवार है, तमाम चीजें हैं। तो अफगानी जो लोग हैं वो इस वजह से, जो अफगानी सेना के जो लोग हैं वो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम नजर आए, कमतर नजर आए तालिबानी सेना के सामने, क्योंकि तालिबानी जो लड़ाके हैं वो अपने आप में बड़े खूंखार और बिल्कुल मरने। बिल्कुल कावेंद्र, एक और सवाल है कि पीछे नहीं है। जी कावेंद्र, एक और सवाल है कि जो अशरफ गनी है वो देश छोड़कर चले गए, आवाम की रक्षा कौन करेगा? क्या आवाम दूसरे देशों के बलबूते अपनी रक्षा करेगी या कोई और वजह है? और दूसरी बात यह है कि अमेरिका पर जब खुद पर आती है तो अमेरिका फिर मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन तैयार आतंक को अगर हम कहें, तालिबान, उसे आतंक में कहूंगी क्योंकि वो आतंक फैला रहा है और वो है भी, वो उसको बढ़ावा देता है, लेकिन जब अपनी पर बात आती है तो फिर वो अपने सैनिक बुलाता है, 20 सालों तक अफगान को तैयार करता है। ऐसे में अगर भारत हस्तक्षेप करता है, भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, तालिबान ने आज कहा है, तालिबान के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि भारत और तालिबान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि भारत जो है हमारे साथ अच्छे रिश्तों के साथ रहे, तो ऐसे में अमेरिका की भूमिका क्या रहेगी अगर तालिबान और भारत के रिश्ते अच्छे हैं तो? जी बिल्कुल काजोल जी, आपके पहले सवाल पे आता हूँ। तो पहला सवाल आपका यह था कि अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। आपको बता दूं कि जिस देश का, जिस घर का मुखिया अभिभावक ही छोड़कर भाग जाए तो लड़ाई वहीं खत्म मान ली जाती है। जैसे हमारे भारतीय इतिहास में आपने देखा होगा कि जब राजा जब मर जाता था या राजा जब शहीद हो जाता था जंग के मैदान में, तब लड़ाई वहीं की वहीं खत्म हो जाती थी। तो वैसा ही कुछ हुआ है, अशरफ गनी अपनी जान बचाकर भागे हैं। हालात इस तरीके के हो गए थे कि अशरफ गनी के साथ उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो भी, ये दोनों लोग कजाकिस्तान। क्या ऐसी शर्तें रखी गई थी तालिबान की तरफ से, क्योंकि ऐसी भी बातें निकलकर सामने आई है कि ऐसी शर्तें रखी गई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इस तरह का बात नहीं थी। ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर जाकर सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, खून खराबा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वो जब से काबुल में घुसे हैं तालिबानी, तब से उनके प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि हम खून खराबा बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम सीधे तौर पर चाहते हैं फुल कंट्रोल, और वो फुल कंट्रोल हम कोई भी मारकाट या किसी भी तरीके से नहीं चाहते। आप, हम आ रहे हैं, हमने पूरा राज अपना स्थापित कर दिया है, तमाम जगहों पर हम अपने लड़ाके बिठा चुके हैं, अब हम आए हैं, अब आप हमको कागज जो है सौंप दीजिए, और जितना भी ये आधिकारिक, जितना भी जो भी है अमली जामा वो हमको सौंप दीजिए। उनका कहना ये सत्ता हस्तांतरण बहुत आराम से मांगा गया है, कोई इसमें खून खराबा अभी तक देखने को नहीं मिला है कि काबुल में कोई अधिकारियों को मारा गया हो या कुछ ऐसा हुआ। हाँ, एक बंधक बनाने की खबर जरूर आई थी कि वहां पर एक पुलिस का जो चीफ था उसको बंधक बनाया गया था, इसके अलावा और कोई ऐसी खबर फिलहाल अभी तक नहीं है। ठीक है कावेंद्र, चलिए तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल, चलिए काजोल और कावेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को शेयर करने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक से हाहाकार का मंजर बना हुआ है और अफगानिस्तान युद्ध की शुरुआत सन
1900 में हुई थी और ऐसे में बता दें कि हमले के बाद हुई थी और सोवियत सेना ने अपनी जबरदस्त सैन्य क्षमता आधुनिक हथियारों के दम पर बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।